दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान का दुबई में बड़े लेवल पर प्रमोशन हो रहा है और फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। दुबई के पूरे मॉल में जवान का जलवा नजर आ रहा है। दोस्तों, जवान की दुबई में एडवांस बुकिंग खोल दी गई है। जवान का दुबई में बहुत बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ थिएटर में जाने लग रही है। वही किंग पठान की तरह जवान से भी एक बार फिर इतिहास रचना चाहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से जवान को ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, वो सबके होश उड़ा रहा है, क्योंकि जवान शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। जवान में हॉलीवुड से एक्शन डायरेक्ट 5 बड़े डायरेक्टर ने काम किया है और जवान के एक्शन को इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल। फिल्म का कंटेंट भी ओरिजिनल है और इसके विजुअल तो कमाल के हैं। लेकिन दोस्तों, अब जवान से जो होने वाला है वो रिकॉर्ड फिर कोई एक्टर नहीं तोड़ पाएगा। अगर शाहरुख खान की फिल्म जवान 2000 करोड़ कमाती है या मान लो 1000 करोड़ भी कमाती है, तो ये इंडिया का नया रिकॉर्ड बन जाएगा। दोस्तों, शाहरुख खान अगर ऐसा कर देते हैं तो पहले ऐसे एक्टर बन जाएंगे जो एक साल में 2 बार 1000 करोड़ का करेंगे, क्योंकि उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और आगे भी होना मुश्किल है। दोस्तों, लगातार 1000 करोड़ वाली फिल्म देना बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज को किंग खान पूरा करने वाले हैं। जब 7 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होगी, तब साउथ से लेकर बॉलीवुड तक बड़े बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। अभी तक कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसने लगातार 500 करोड़ की फिल्म दी है, लेकिन शाहरुख खान 1000 करोड़ की फिल्म देकर नया हिस्ट्री बना सकता है। अब जवान में किंग खान के साथ विजय एक्शन में आ गए हैं, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। बॉयकॉट होने के बाद भी पठान ने 1000 करोड़ की कमाई करके सबके होश उड़ा दिए थे। वही इस बार जवान का क्रेज और हाइप पठान से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जवान को भी कुछ लोग बॉयकॉट करने आ सकते हैं। वही शाहरुख खान के फैंस भी पूरी जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताना कि जवान लाइफ टाइम कलेक्शन में कितने करोड़ की कमाई कर सकती है।